साथियों, एशियाड 1971 के समय प्रगति मैदान में सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित करने के उद्देश्य से 5 ओपन एयर थिएटरों का निर्माण किया गया, लेकिन निर्माण संबंधी खामियों के चलते यहां बन रहा शाकुंतलम थिएटर शुरू नहीं हो पाया था। लगभग एक साल की देरी के बाद जब ये सिनेमाघर अक्टूबर 1972 में शुरू हुआ तो यहाँ सिर्फ शास्त्रीय संगीत व नृत्य के ही कार्यक्रम का आयोजन किया जाता था। इस थिएटर की व्यवस्था का प्रभार संभालने वाले ITPO के महाप्रबंधक सफदर हुसैन खान बताते हैं कि इसी साल हमने यहाँ पुरानी संगीत प्रधान फिल्मों को दिखाना शुरू किया तो इस थिएटर में फिल्म देखने वाले दर्शकों को इतना अच्छा लगा कि विभाग ने यहाँ नियमित फिल्म शो आयोजित करने का फैसला कर लिया। खान बताते हैं कि उस समय यहाँ फीचर फिल्मों का मुफ्त प्रदर्शन शुरू किया गया। प्रगति मैदान के चेयरमैन जगन्नाथ वासुदेवन बताते हैं कि आज भी इस थिएटर पर टिकट धरे राजधानी के अन्य छवि ग्रहों की तुलना में काफ़ी कम है। उच्च स्तरीय विदेशी मशीनें, वॉल टू वॉल कारपेट, आरामदायक पुशबैक सीटों के साथ साथ इस थिएटर के रेस्तरा में खाद्य सामग्री बाजार से भी कम दामों पर उपलब्ध होती है। सिनेमा प्रभारी SH खान के अनुसार यहां हम उच्च स्तरीय पारिवारिक मनोरंजक शिक्षा प्रद व राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्मों को चलाने का प्रयास करते हैं। प्रवक्ता दीपक जौहरी का कहना है कि यहाँ राजनीतिक हस्तियाँ व उच्च पदों पर आसीन प्रशासनिक अधिकारी भी सब परिवार फिल्म देखने आते हैं। पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था, सुरक्षा के व्यापक प्रबंध और प्रगति मैदान में बने 5 उच्च स्तरीय रेस्तरा के कारण भी लोग इस थिएटर की ओर आकर्षित होते हैं। शाकुंतलम थिएटर पर जब स्वर्गीय राज कपूर की फिल्मों का फेस्टिवल चलाया गया तो उनके बेटे रणधीर कपूर ने इसका उद्घाटन किया। इसके अलावा देवानंद, राजेंद्र कुमार, सोहराब मोदी और गुरुदत्त की फिल्मों का भी महोत्सव यहां आयोजित किया गया। जब हॉलीवुड की फिल्म लेस मेकर यहां चलाई गई तो कॉलेज के छात्रों का ऐसा समूह यहां पहुंचा कि थिएटर के प्रवेश द्वार के सभी शीशे टूट गए। साथियों, शाकुंतलम थिएटर की जो लोकेशन है वह प्रगति मैदान गेट नंबर 2 के पास। शाकुंतलम थिएटर में जो सीटों की कैपेसिटी है, रिजर्व क्लास 185, जनता क्लास 182 और कुल 367 सीटें। साथियों, इस थिएटर में जो प्रोजेक्टर है वह सिनेसेल्स कंपनी के 2 रशियन प्रोजेक्टर। साथियों, इसमें साउंड सिस्टम है स्टीरियो ऑप्टिकल साउंड सिस्टम। और इस सिनेमा पे जो सबसे ज़्यादा अवधि तक चलने वाली फिल्म है वह टाइटैनिक 4 सप्ताह। साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को भी प्रेस करें। थैंक यू।